हेलो दोस्तों, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। राम राम पैलाग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और सुबह के बज चुके हैं लगभग 8:30। और मौसम की बात करें तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। हवा का कहीं नामो निशान नहीं है, बिल्कुल पत्ता भी नहीं हिल रहा है। और देख सकते हैं सुबह सुबह पसीने से एकदम तरबतर हो चुका हूँ। और बहुत ज़बरदस्त गर्मी पड़ी है 2-4 दिन से। आज तो हल्के हल्के बादल भी लगे हुए हैं, लेकिन नहीं लगता कि बारिश आएगी। अगर बारिश आ जाती तो थोड़ा मौसम ठंडा हो जाता। और गांव घर में तो घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, हमेशा पंखे के कूलर के आगे भी नहीं बैठ सकते, क्योंकि जानवर होते हैं। खेतों में जाना पड़ता है और चारा पानी वगैरह वगैरह करना पड़ता है। प्रियांशु दे रहा है कोको को खाना, मट्ठा और भात मिक्स करके। डाल दे, सारा डाल दे। अंदर घूम रहा है कैंडी, इसको भी भूख लगी है शायद, तो इसको भी दूध देगा प्रियांशु। इसको तो जितनी बार अंदर आओ उतनी बार भूख लग जाती है। हैं, क्या है? प्रियांशु ला रहा है यार। ले आया, चल पी ले। तो प्रियांशु के बाल भी देखे कितने बड़े हो चुके हैं, एकदम मिथुन दादा की तरह लग रहा है। इधर को देख, तो ये देखिए मिथुन दादा की तरह लग रहा है। किसकी तरह लग रहा है दिखा दो, देखूँ तो इसी तरह लग रहा है यार तू। तो अभी बाल कटवाने जाने में भी बहुत रिस्क है, इसीलिए कुछ दिन और वेट करना पड़ेगा इसके बाल कटवाने के लिए। पानी का पाइप लगा दिया है क्योंकि गर्मी बहुत ज़बरदस्त है। पेड़ पौधों को रोज़ लगभग एक दिन छोड़ के पानी देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये बेचारे भी मुरझा जा रहे हैं। ये पेड़ तो वैसे ही मुरझा गया है, बारिश का तो कोई पता नहीं है कब आएगी कब नहीं, पता नहीं। भिंडी के पेड़ हैं, इसकी निराई गुड़ाई हो चुकी है, तो इसमें भी भिंडी लगना शुरू हो चुकी है। इसमें छोटी छोटी भिंडी लगना शुरू हो गई है क्योंकि ये हाइब्रिड है, बहुत से पेड़ों में भिंडी लग गई है लगभग। इधर थोड़ा घर के पीछे हमारे पेड़ पौधे हैं और अमरूद का पेड़ है बड़ा सा, तो यहाँ हमेशा छाया रहती है, तो यहाँ थोड़ा ठंडा है, थोड़ा सुकून महसूस हो रहा है। तो दिल कर रहा है कि यहीं पर बैठे रहें और यहीं पर कुर्सी उर्सी लगा के आराम से यहीं बैठ जाएँ, यहाँ पर बहुत सुकून मिल रहा है। तो पेड़ होने का यही फ़ायदा है घर के आसपास। अंदर तो इतनी ख़तरनाक गर्मी हो रही है, पूछो मत, आप 5-10 मिनट भी नहीं बैठ सकते अंदर। और बाहर भी वही हाल है। ये यहाँ पर 2 बड़े बड़े पेड़ हैं, एक ये बगैन का है और दूसरा अमरूद का है, तो इसकी वजह से यहाँ ठंडा रहता है। और ये है हमारी लक्ष्मी, चारा वारा खा के एकदम जुगाली कर रही है ये। यहाँ भी अभी छाया है तो आराम हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि पेड़ की छाया है यहाँ पर और मकान की भी छाया है। और ये हैं हमारे छोटे नवाब, देख सकते हैं ये भी सोए पड़े हैं एकदम। और उठा दिया, डिस्टर्ब कर दिया मैंने। आजा बेटा, आजा इधर आ, तो थोड़ा लाडू करो। चल इधर को देखो एक बार, ये देखो हेलो कर दो सबको, हेलो हाय कर दो। चलो सो जाओ, हैं डिस्टर्ब कर दिया, सो जाओ शाबाश। ये कोको बेचारा तो गर्मी से बहुत परेशान है, इसको बहुत जल्दी नहलाना पड़ेगा, इसकी आफत आई हुई है गर्मी से। पत्नी जी चारा काट रही हैं, दिख भी नहीं रही है वो चरी के खेत में, देख सकते हैं गट्ठा बन चुका है लगभग, क्योंकि फिर बाद में गर्मी बढ़ती ही जाती है और शाम के समय तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, चारा काटना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए अभी काट देंगे। अभी थोड़ा छाया भी है, बादल भी लगे हुए हैं, मौसम तो बन रहा है, क्या पता आज इंद्रदेव की कृपा हो जाए। थोड़ा बादल लगे हुए हैं और लग भी रहा है कि शायद 2-4 दिन से जिस हिसाब से ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है तो बारिश आंधी तूफान के पूरे चांस बन रहे हैं, क्या पता शाम होते होते बारिश आ जाए। बारिश आ जाएगी तो थोड़ा गर्मी से राहत मिल जाएगी, नहीं तो बहुत ही दिक्कत है गर्मी से।
आराम से बात, इसको सुबह सुबह बांध दिया करें, नहीं तो पूरी दुनिया एक लगाता घूमते रहता है। ले चल नल पे नहलाते हैं, बहुत गर्म हो गया बेचारा, गर्मी से हालत खस्ता है इसकी। अरे वैसे ले चल, ऐसे नहीं आता ये, उठा के ले चल नल पे, छोटा मारना इसको, नहाएगा नहाएगा, गर्मी से परेशान हो रहा है और भाग रहा है। अब जाकर थोड़ी ठंडी हवा चली, क्योंकि थोड़ा बादल लग चुके हैं आसमान में, तो अब आ रही है ठंडी ठंडी हवा। हा 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 हा, एकदम सुकून मिल रहा है इस हवा में, काश ऐसी हवा चलती रहती तो मज़ा आ जाता है। फटाफट लगा, गर्मी हो रही है तो भी जाएगा अंदर, अभी भी परेशानी हो रही इसको यार इतनी गर्मी में, गर्मी से हाँप रहा है, इतनी लंबी जीभ निकाल रहा है। मुंह पे भी लगा देता थोड़ा साबुन में, हाँ थोड़ा कम कर, हाँ नहला दे नहला दे, बिल्कुल तर कर दे इसको, जो कि कांपने लग जाइए। दोनों को ले चल इकट्ठे, अब चलते हैं कुट्टी काटने, अभी तो छाया है वहाँ पर, चलते हैं। फिर आंसू काट रहा है, कर रहा है मेहनत, मज़ा आ रहा पिंचू है, मज़ा आ रहा, गर्मी तो होनी रही होगी, चल काट काट शाबाश। तो दोस्तों अब हम काटते हैं कुट्टी और आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, तब तक हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए, बाय बाय।